किती झाडं लावायचं आहे तू ठरवलं? 50 50 50. हर कोने में ग्रीन सेवियर्स है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हर तरफ प्लांटेशन करना है। आज यहाँ पे 50 प्लांट्स का इंप्लीमेंटेशन करके स्टार्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे गार्डन का काम होगा, फिर हर गार्डन में हर यहाँ पे ओपन स्पेस है। हमारे ये ग्रीन सेवियर्स के लोग हैं जो काफ़ी साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बेलगाम को ग्रीन रखने में। सभी तरफ ग्रीनरी करने का एक हमने जो वादा किया है, तो आगे चल के किसान देखेंगे कि बेलगाम को एक ग्रीन कवर अच्छा मिलेगा। ग्लास हाउस जब बनाया था 2010-12, उसका काम यही था कि वहाँ पे लेडीज आके अपने छोटे छोटे फंक्शन करें, बच्चों ने स्टडी करें, योगा क्लासेस हो, टीचिंग क्लासेस हो, जो भी एक कम्युनिटी के लिए लगता है। क्योंकि घर छोटे छोटे होते हैं, घर पे होता नहीं है, और जब लेडीज मिलना चाहते हैं तो जगह नहीं रहती, वो हिसाब से क्लास हो जाती है। आई डो नॉट नो हाउ मच ऑफ इट इज kept in the proper place now, but we will still be inspecting all the glass houses and see that all the facilities. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಇದೊಂದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಶೇಟ್ ಸರ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಗತ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ. ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಗ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾದಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ. की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया. हम पिछले 7 साल से पेड़ लगा रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि बेलगाम पहले जैसा हरा भरा हो, जिससे ये जो पर्यावरण और वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसको रोका जाए. हमारी ये इच्छा है कि बेलगाम शहर में करीब करीब 2 लाख पेड़ लगाएं ताकि थोड़ी छांव बनी रहे. पर बेलगाम शहर के वातावरण में परिवर्तन सही में लाना है तो खानापुर तालुकों में करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने पड़ेंगे. तो ये जो फर्क है, पिछले 40 साल में जो फर्क पड़ा है, इसके परिणाम हम लोग सब देख सकते हैं. ये जरूरी है कि हम सब लोग इनको समझ लें और ग्रीन सेवर्स को आप लोग ज्वाइन कर लो. हर सार इतवार को हम लोग काम करते हैं. ये हमारा संडे नंबर 370 है. 370 इतवार बगैर छुट्टी लिए हम लोग काम किए हैं. कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो हमारे मेम्बर आते रहते हैं. तो बेलगाम से बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत कोऑपरेशन भी मिला है, बहुत वॉलंटियर्स भी आए, सारे स्कूल्स कॉलेजेस. अभी हम लोग शायद एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं कि वी आर प्लांटिंग कॉरपोरेशन के साथ. तो हम चाहते हैं कि हरा भरा बनाएंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. लेट्स मेक बेलगाम द ग्रीनेस्ट सिटी इन कर्नाटका और मे बी ग्रीनेस्ट सिटी इन इंडिया. थैंक यू. लेकिन जब रोड वाइडन किए जाते हैं तो नॉट एंटी डेवलपमेंट, ओके, बट बाकी लोग जो वो समझते हैं कि ट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो सोच थोड़ी बदली करनी पड़ेगी. तो हम लोग चाहते हैं कि गांव में पूरे शहर में हर जगह जाके लोगों के साथ इसके बारे में हम लोग वार्तालाप करें. तो इफ़ यू कैन गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, अपने घर बुलाओ. 3 लोग हैं तो भी मैं आके बात करके जाता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी सब तक सब लोगों तक जाने की ज़रूरत है. टुडे सी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड लेट्स मेक अ प्लेज, लेट्स टेक अ प्लेज that if not everywhere, at least let us make our city green. हमने देखा है कि जो भी gardens बनाए गए थे, जो भी काम किया गया था पिछले 5 साल में, पूरे gardens एक बुरी हालात में है. पहले वहाँ से start करेंगे. We'll start it from the gardens. जब ग्रीनरी होती है तो सिर्फ एक क्लाइमेटिक चेंज नहीं होता है, इसके साथ में आपको एक सुकून मिलता है. इट सूट्स योर आईज एंड इट गिव्स पीस टू योर ब्रेन एंड योर बॉडी. इफ यू सी कॉन्क्रीट ऑल अराउंड एंड यू सी समथिंग ग्रीन, एन एकर और 2 acres, एंड इफ यू गो एंड सिट डाउन देयर, यू विल फील द डिफरेंस. यू विल सर्टनली फील द डिफरेंस. ग्रीन सेवियर्स एंड our corporation commissioner and DC ma'am, they have all joined, and we have also had a meeting with him that we will as much as possible try to have plantations in our city and make our city green. For that only, it is not that we plant a tree today and tomorrow. The local people surrounding, where we are surrounded by houses and local people are there, they have also to take an effort that the water is properly being given to the trees, they are maintained, no cattle is coming inside. If we all make an effort, we can certainly achieve this. Yahan pe dekhenge to aap sirf ghas ug raha hai, trees honge. If you have small patches of garden, it will make a difference, and we will try and all together, let's make change for the better, and let's make our city green. Thank you very much. Praveen, enough karal pe tera tum bak te udhi unche hai, enough karunge and mag ek. Bharat bharunge alab hai. भरत पण थोडं थोडं भरत थोडं माती घेत नाही पाणी जमा.
फीलिंग तो अच्छी पहले थोड़े डालो फिर सर उसको पहले भरूंगे बराबर लग रहा है Come back, sir. Yeah. I don't want it.